जी देखिए, गायकी के मामले में मुझे लगता है भोजपुरी के जितने भी श्रोता हैं पवन जी बेस्ट बोले जाते हैं। पवन जी की आवाज़ जो है उनका आवाज़ जो है बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना आउट। मेरे साथ जो शख्सियत खड़े हैं, आप इन्हें फिल्म अभिनेता प्यारे दुलारे लोटा तिवारी जी के नाम से जानते हैं। सबके दिलों पर राज करते हैं अपने काम से, अपने अभिनय से। मेरे साथ खड़े हैं, खास बातचीत होगी। सर स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अपना आउट के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि मुझे आप अच्छे से इंट्रोड्यूस किए हैं अपना आउट पे। अच्छा लगा। सर, फिल्मों में जब आप होते हैं जी, तो लोगों को एक उम्मीद रहती है कि फिल्म में हास्य तो जरूर ही होगा जी। हास्य के अलावा और किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगे आगे? मैं कलाकार हूं और कलाकार का कोई मतलब रूप नहीं होता है, वो अनुरूप में काम कर सकता है। हास्य के लिए मुझे जान पहचान और प्रसिद्धि मिली है, तो लोग जितने डायरेक्टर और मतलब अपने निर्माता निर्देशक हैं वो इसी रूप में अभी तक हमको काम दे रहे हैं। और मुझे कोई भी रोल मिलेगा, चैलेंजिंग रोल भी मिलता है, मुझे स्वीकार रहता है। मतलब हीरो विलेन वाली बात नहीं है, अभिनेता बनना है जी। मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छे अभिनेता को, एक अच्छे कलाकार को एक अच्छा अभिनेता और एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर मैं हीरो बनूं, मैं विलेन बनूं, मैं कॉमेडियन। नहीं, मुझे जो मिल रहा है वो मैं कर रहा हूं। मतलब अभिनय को जीवंत रखने के लिए कोई भी कैरेक्टर करेंगे जी। चरित्र वही देखिए, किसी के चरित्र को अपने में उतार लेना ही वही तो अभिनय है। तो मैं चाहता हूं कि मतलब कि अच्छे अच्छे चरित्र को मैं चरित्रवान करूं और अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी फोकस किया हूं कि नहीं मुझे हीरो बनना है या विलेन बनना है या ये बनना। नहीं, जो मिलेगा वो बाखूबी मैं 100% देने की कोशिश करता हूं। लोग जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले? जी, मैं उत्तर प्रदेश मेरा राज्य है और देश मेरा भारत है और ज़िला मेरा जौनपुर है, गांव मेरा लोढ़िया है, पट्टी नैनपुरा, तहसील शाहगंज है। मेरा नाम अनूप तिवारी है, रजिस्टर्ड नेम, और फिल्मी नेम है लोटा तिवारी। फिल्मों में जब आए हैं तो संघर्ष भी करना ही पड़ा होगा जी। लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो यूं ही काम मिल जाता है आसानी से, क्या ये सच है? जी, एकदम सच नहीं है। क्योंकि इसलिए सच नहीं कि एक अच्छे कलाकार को अपने आप को स्टैंड करना, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, मुझे लगता है कि जो ऐसे बोलते हैं वो दो चार फिल्मों में दिखते हैं जुगाड़ पानी लगा के। लेकिन जो संघर्ष और जो एक कलाकार मतलब 100% अपना देता है वो 100% सफलता की श्रेणी पर पहुँचता है। और संघर्ष जो संघर्ष किए रहता है जीरो से, वही जो है टॉप पर पहुँचता है। जुगाड़ पानी वाला कलाकार वहीं रह जाता है। मतलब अनूप तिवारी उर्फ लोटा तिवारी जी जुगाड़ वाले कलाकार नहीं है? जी नहीं, एकदम नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैंने जुगाड़ देखा ही नहीं, मैं तो जीरो से उठा हूँ। और आप लोग का प्यार आशीर्वाद है जनता का कि मैं आज आपके सामने हूँ। वाकई में संघर्ष तो मैंने बहुत किया है। 2003 से 2009 तक मैं बहुत संघर्ष किया। सर, फिल्मों में तो आप हमेशा दिखते हैं, सबसे ज़्यादा आपको हास्य के चरित्र में देखा गया जी। किन किन कलाकारों के साथ और फिल्में आ रही हैं जिनमें आप अलग अलग अभिनय करते नजर आए? जी, अभी जो है मेरी जो फिल्में हैं वो चिंटू जी के साथ आ रही हैं और चिंटू की फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ। इसमें मुख्य भूमिका में चिंटू जी हैं और यामिनी सिंह हैं और बालेश्वर सिंह हैं, बृजेश त्रिपाठी हैं, मैं आपका छोटा भाई मैं, और मनोज द्विवेदी जी हैं। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, सोनिया मिश्रा हैं, रिंकू जी हैं, रिंकू आयुषी जी हैं, और आराध्या एक लड़की बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की है, अनुराधा यादव है। और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं विजय यादव जी और इसके डायरेक्टर जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, नीलमणि सिंह। तो अच्छा लग रहा है, मतलब ये भी फिल्म आ रही है और इसके मतलब आ रही है, पड़ोसन आ रही है, रितेश पांडे जी के साथ आ रही है, कल्लू के साथ आ रही है, बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है, पवन भैया के साथ आ रही है। तो फिल्में लगातार हैं और फिल्में मतलब और आने वाली हैं। अनूप जी, आप एक अभिनेता हैं लेकिन उसके साथ साथ आप एक श्रोता और दर्शक भी हो सकते हैं जी। एक श्रोता के तौर पर जी, भोजपुरी में किसकी गायकी आपको पसंद आती है? जी देखिए, गायकी के मामले में मुझे लगता है भोजपुरी के जितने भी श्रोता हैं वो देखिए, मैं तो कलाकार हूँ, मुझे लगता है कि गायकी का जो स्केल है, जो लोगों
कि मैंने जो हमारे गांव में और अदर, तो पवन जी बेस्ट बोले जाते हैं। पवन जी की आवाज़ जो है मतलब उनका आवाज़ जो है बहुत अच्छा है, और कहना नहीं चाहिए। खेसारी जी भी अच्छा गाते हैं, कल्लू जी भी गाते हैं, गाते सभी हैं, अच्छा गाते हैं, और सबके अपने अपने फैंस फॉलोअर्स हैं। लेकिन जो आवाज़ की आपने बात की, तो खेसारी जी भी और भी लोग जितने हैं, सब पवन जी को बोलते हैं कि बहुत अच्छा गाते हैं। और साथ में अनूप तिवारी जी भी बोलते हैं। हाँ जी, मैं ऑफकोर्स मैं भी बोलता हूँ पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं। आवाज़ की बात है, वो पवन जी में एक अलग आवाज़, मतलब थोड़े से अद्भुत वाले अद्भुत वाले हैं, जो भी है मतलब कि अच्छा है। उनकी आवाज़ वाकई में बहुत ही प्यारी है, और आवाज़ तो सबकी अच्छी है। रितेश जी की भी ठीक है, कल्लू जी की, राकेश मिश्रा की, मतलब सब सारे सबका अपना अपना फ्लेवर। जी जी जी, और मुझे लगता है कि सारे कलाकार, जितने सिंगर कलाकार हैं, सब लोग ये भी बोलते हैं कि पवन जी का आवाज़ बहुत ही अच्छा है। सर, आप तो सबके साथ काम किए हैं, पवन जी, खेसारी जी, रितेश जी, सभी के साथ जी। बाकी कलाकारों में और प्रदीप पांडे, चिंटू में क्या फ़र्क लगा? फ़र्क अगर देखा जाए यूँ तो बाकी कलाकारों में और चिंटू जी में, देखिए जो समर्पित जिस भाव में है, समझ रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस उस भाव में निकल के आता है। मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार के नाते मैं टीका टिप्पणी और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि सारे हीरो मुझे बहुत अच्छा काम करते हैं, सबकी एक्टिंग मुझे पसंद है, क्योंकि मैं जो एक्टिंग करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरी एक्टिंग सबसे ऊपर है, इसलिए सारी एक्टिंग सबकी, जितने हीरो हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरी एक्टिंग उन लोगों से अच्छी लगती है अपने आप में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपने काम को पसंद करना कोई अनूप तिवारी जी से सीखे। जे भी लोग देख सुन रहल बा, भोजपुरी या दर्शक श्रोता बाड़े, वो सबके अपना भोजपुरी भाषा में का कहब? हम ये कहा भैया, रउआ लोग जोन बटे अपना उड़ लाइक करी और सब्सक्राइब करी, और साथे में हमारा के आशीर्वाद दें, हमारे भाई के भी आशीर्वाद दें, लव यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनूप तिवारी जी उर्फ आप सबके प्यारे दुलारे लोटा तिवारी, जिन्हें आप प्यार से लोटा तिवारी जी कहते हैं। तो अपने अभिनय से आप सबके दिलों पर राज करते हैं। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और से, तब तक के लिए प्यार करते रहिए अपने इस अभिनेता को। नमस्कार, धन्यवाद।